जेजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने बीजेपी को हर जगह पे साथ दिया, मगर बीजेपी ने साथ छोड़ दिया हमारा। गठबंधन धर्म की बात है, गठबंधन धर्म नहीं निभाया हमने, गठबंधन धर्म पूरी तरह से निभाया। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन है और विधानसभा में गठबंधन है और क्या कहेंगे इसको, नगर पालिका नगर परिषद के बारे में एक विचार इस प्रकार का आया था जिस विचार की अभिव्यक्ति हुई थी, लेकिन अब कई तरह के समीकरण बदले हैं और कई तरह के बदले हुए समीकरण ऐसे हैं कि जिस पार्टी को मुख्य प्रतिपक्षी मान रहे थे वो पार्टी मैदान छोड़ गई। तो इस बदले हुए समीकरण के हिसाब से अभी जो तीसरी पार्टी नई आ रही है उसके भी बहुत छोटी सूची आई है, तो बदले हुए समीकरण के हिसाब से बहुत सारी बातें अभी खुली हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अभी तो सब मुकाबला था आपका कांग्रेस से होना, जब कांग्रेस ही चुनाव मैदान से चली गई तो मुकाबला किससे करेंगे फिर आप? मतलब मुकाबला किससे है या बीजेपी से है नहीं, फिर तो मुकाबला किससे करेंगे, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है सर। देखिए ये एक्स पर्सन आज की तारीख का है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी का सभी नगरों में जो सर्वेक्षण में मैं देख रहा हूँ 25% से 50% तक वोट है, तो मुझे लगता है कि मेरी पार्टी के वोट को मुझे एक साथ रखना चाहिए, उसको एक साथ कमल के फूल पर वोटिंग करने का अवसर देना चाहिए। अगर बाकी लोग मैदान छोड़ कर जा रहे हैं तो वो उनकी अपनी विफलता है। कांग्रेस की भूमिका ऐसी है कि एक उंगली उठाती है तो उसके प्रति अपनी तीन होती है, ऐसी है। कल से कांग्रेस अपने विधायकों को छुट्टियों पर लेके जा रही है, क्रॉस वोटिंग अटर है, आप लोगों को डरने की आप लोगों की प्लानिंग लेके जाने की कुछ ऐसा? हम तो जंगल में जैसे वो शेर घूमता है ऐसे बीजेपी के सब विधायक घूम रहे हैं आराम से, हमारे पवार साहब विजयी होंगे और 9 वोट हमारे पास सरप्लस हमारे 9 सरप्लस भी वोट है बीजेपी का, कोई जो है सब बहुत जबरदस्त हैं, जो जिनको डर है वो जा रहे हैं। सर आपके सरप्लस